पेश है इजुसा डायमंड ज्वेलरी, उस नारी के लिए जिसकी सुंदरता है उसकी शक्ति में, जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया, जिसके दिल से बहता प्यार का दरिया। इजुसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए, कॉल नाउ 1-800-532-8444। लुका छिपी की खेल के बाद किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे समाजवादी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ा। आज किसान संगठनों द्वारा आयोजित भारत बंद का क्षेत्र में समाजवादी पार्टी द्वारा पुरजोर समर्थन किया गया। आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रशासन सुबह से ही चौकस रहा। समाजवादी पार्टी के नेता प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री बलराम यादव, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, पूर्व प्रमुख चंद्रशेखर यादव सहित बड़े नेताओं के घर सुबह से ही पुलिस ने पहुंचकर उनको किसी भी प्रकार के आंदोलन में शामिल नहीं होने की बात कही, लेकिन समाजवादी नेताओं ने आंदोलन करने की जिद पर अड़े रहे। उपजिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश कुमार मिश्रा, क्षेत्राधिकारी महेंद्र शुक्ला सहित स्थानीय पुलिस एवं पीएससी भी मौके पर पहुंचकर समाजवादी नेताओं उनके घर सीनपुर में ही रोक रखी। बड़ी संख्या में उपस्थित आंदोलित समाजवादी नेताओं मानने के लिए तैयार नहीं थे और वह हर एक हालत में अतरौलिया में किसान आंदोलन करना चाह रहे थे। अब जिलाधिकारी ने जिलाधिकारी से क्षेत्रीय विधायक की वार्ता भी कराई। जिलाधिकारी के कहने पर क्षेत्रीय विधायक मान गए और वहीं एक जनसभा का आयोजन हुआ जिसका संचालन जयप्रकाश यादव ने किया। जनसभा में बोलते हुए पूर्व मंत्री बलराम यादव ने कहा कि किसी समय में लोग खेती को सबसे उत्तम कहते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश में किसानों की क्या दशा की है। उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले किसानों को बधाई दी, कहा कि इस तरह के कानून लाने का क्या औचित्य है। अगर कानून लाना ही था तो संसद में कम से कम विपक्ष से इस बात पर चर्चा ही कर लेते। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बहाने सरकार लोगों को गरीब और गवार बना रही है, उसके लिए सरकार फिक्रमंद नहीं है। लोगों को जाति और धर्म में बैठकर केवल सत्ता चाह रही है। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि सरकार पूरी तरह से तानाशाही का कार्य कर रही है, लेकिन इसे इंदिरा गांधी के शासन का ख्याल नहीं है जो पूरी तरह से समाप्त हो गया। जनसभा को पूर्व प्रमुख चंद्रशेखर यादव, चेयरमैन सुभाष चंद्र जायसवाल, शीतला निषाद, रंजीत यादव आदि लोगों ने भी संबोधित किया। जनसभा के बाद भी समाजवादी नेता भारत सरकार द्वारा पाली कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, किसानों के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में किसान बिल वापस लो आदि नारे लगाते हुए अतरौलिया के लिए निकलने लगे, लेकिन पहले से ही मौजूद पुलिस और पीएसी के जवानों ने इन लोगों को रोक लिया। प्रशासन द्वारा रोके जाने के बाद समाजवादी नेता वहीं बैठकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए। इस दौरान पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री बलराम यादव, ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव सहित 33 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत जमानत पर छोड़ दिया गया और इन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर पूर्व प्रमुख चंद्रशेखर यादव, राधेश्याम लीडर, जयप्रकाश यादव, रंजीत यादव, शीतला निषाद, संतराम यादव, सुभाष चंद्र जायसवाल, राजीव यादव, पप्पू यादव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज सुबह से ही जब हम लोगों का कोई इस टाइप की कोई सूचना नहीं थी और सुबह 4:30-5 बजे, जैसा कि आप लोग अतरौलिया के लोग जानते हैं कि आज हमारे घर कल हमारे घर शादी का प्रोग्राम है और सभी लोग उसमें आमंत्रित है, पुलिस के लोग कहीं ना कहीं जा कर के जिसके घर शादी का प्रोग्राम हो और उसको कह रहे हैं कि आपको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, आप अपने घर से नहीं निकल सकते हैं। मैंने कहा ये बात कैसे हो सकती है, कल मेरे भाई की शादी है और मुझको अतरौलिया से कोई सामान मेरे घर से लाना होगा तो कैसे आएगा। लेकिन इतनी निरंकुशता और इतनी बर्बरता के साथ जैसे लग रहा है कि इस देश में अब लोकतंत्र रह ही नहीं गया है, कहीं ना कहीं से इस समय तानाशाही का वो रवैया इस देश के अंदर लागू है कि इमरजेंसी लागू कर दी गई है। आपातकाल की स्थिति है कि शादी वाले व्यक्ति को भी उसके घर हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, क्या ये बात आप लोग नहीं जानते हैं। कल ही मेरे घर शादी है लेकिन पुलिस के लोग जा करके मुझको रोक रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि यह अतरौलिया की समाजवादी पार्टी है, ये आपके रोकने पर नहीं रुकेगी, अभी तो सूचना क्षेत्र में फैल रही है और जब ये सूचना पूरे अतरौलिया में पहुंच जाएगी तो हजारों हजार नौजवान निकल जाएंगे, उसको ये पुलिस के लोग
नहीं रोक पाएंगे। हमारी कोई मांग नहीं है, ये आप बताइए। इस तरह से कभी नहीं होता था, जब कभी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, किसान का गन्ना अगर मिल पे जाता था और उसके घर 15 से 20 दिन के अंदर उसके खाते में पैसा चला जाता था। आज बताइए, किसान अपना दिसंबर का गन्ना बेचा है और अभी दिसंबर की बेची हुई गन्ना का दिसंबर आ गया, उसके खाते में पैसा नहीं आया है। शादी ब्याह का अवसर है, किसान कहीं ना कहीं गन्ना उसकी नगदी मूल्य है, वो अपने वो गन्ना जब बेचता है तो ये सोच करके बेचता है कि हमारे आने वाले समय में शादी है, हम अपने इसके शादी ब्याह में प्रयोग करेंगे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की निरंकुश सरकार, तानाशाह सरकार, पूंजीपतियों की सरकार, इसने कोई गन्ना भुगतान नहीं किया, इसने कोई धान का, आज बताइए 1000 रुपया कुंतल धान का है, धान की लागत मूल्य क्या आ रही है, लागत मूल्य भी नहीं मिल रही है। तब ऐसे समय में अतरौलिया के नौजवानों और माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो समाजवादी पार्टी की पैदाइश संघर्ष के लिए हुई है, उस संघर्ष पर समाजवादी पार्टी के लोगों को निकाल दिए हैं, तो 2022 आने वाला समाजवादियों का होगा, अखिलेश यादव का होगा, आम जनता का होगा। समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, जैसा कि आपने कल भी देखा था, जो पूरे देश का किसान आज कृषि अध्यादेश को लेकर आंदोलित है, लगातार पंजाब हरियाणा से लेकर के दिल्ली के आसपास के किसान अपने बच्चे पत्नियों के साथ लगातार दिल्ली में धरना दे रहे हैं। सरकार पूरी तौर पर सो रही है, वो लगातार सरकार को जगाने का काम कर रहे थे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किसानों के समर्थन में ऐलान किया था और कल वो कन्नौज जाना चाहते थे, और जैसे वो अपने घर से निकले पूरे उनके आवास को छावनी में तब्दील करके उनको किसानों के बीच जाने से रोका गया। हम सब ने कल आपके थिरईपट्टी में कितना शांतपूर्ण ढंग से किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। हमारी मांग थी कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसान की आय को दुगनी करेंगे, हम किसानों को सुविधा देंगे, हम गन्ना किसानों का समय से भुगतान करेंगे, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। सरकार पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। जो संसद है, विधानसभाएं हैं, उसको बंद करके सरकार तानाशाही पर उतर आई है। अखिलेश यादव जी जब कभी निकलना चाहते हैं, लगातार सरकार उनके कदम को रोकने का काम करती है। आज कहां आप जा रहे थे? आज हम सब ने घोषणा किया था, आदरणीय प्रमुख जी हैं, चेयरमैन साहब, हमारे सभी जिला पंचायत के सदस्यगण हैं, हम सब ने किसानों के समर्थन में कहा था कि हम अपनी बात जाकर के अतरौलिया बाजार में लोगों से कहेंगे। लेकिन 5 बजे से ही पुलिस के लोग आए, हमसे कहे कि विधायक जी क्या प्रोग्राम है? हमने कहा प्रोग्राम कुछ नहीं है, हम चाहते हैं कि हम लोग विपक्ष के लोग हैं, हम अपनी आवाज को जनता के बीच ले जाएं, सरकार को चेताने का काम करें। लेकिन हमने उन्हें कहा था हमारा आंदोलन शांतपूर्ण होगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम लोग नहा ही नहीं पाए थे, कुछ कह भी नहीं पाए थे, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर पाए थे, आप लोगों को भी कोई सूचना नहीं दे पाए थे। SDM साहब पूरे फोर्स के साथ आए और जिलाधिकारी महोदय से भी बात कराए, उन्होंने कहा कि आपको घर पे ही। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।